अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरियाली तीज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर गांव की महिलाएं नाच गाना करती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती है। इस त्योहार पर झूला झूलने का एक विशेष महत्व है। गाँव और कस्बे में जगह जगह झूले लगाए जाते हैं, महिलाएं एक साथ कजरी गीत गाती है। महिलाएं द्वारा तीज के त्योहार पर गाए गए हरियाणवी गीतों को सुनने के लिए गाँव की सैकड़ों महिलाएं एक जगह बैठकर कार्यक्रम करती है। अतीन क्षेत्र के गांव जनचोली में तीज के त्योहार पर गांव की सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा हुई और मौके पर पलवल जिला उपायुक्त अशोक शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को गांव में तीज के त्योहार के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया, जहां उपायुक्त की पत्नी ने महिलाओं के बीच बैठकर ही हरियाणवी तर्ज पर गीतों और नाच गाने का भरपूर आनंद उठाया। वहीं हरियाली तीज व गांव के सरकारी स्कूल में हरे पौधे लगाकर श्रीमती कमलेश शर्मा ने ग्रामीणों को पर्यावरण हरा भरा बनाने के लिए एक संदेश भी दिया। इस मौके पर महिलाओं ने हरियाणवी तर्ज पर नाच गाने में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विशेष तौर पर हरियाली तीज पर सभी महिलाओं के चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखाई देती थी। गांव की महिला सरपंच गीता ने बताया कि उन्हें आज बेहद खुशी है कि हरियाली तीज के मौके पर गांव की सैकड़ों महिलाओं ने हरियाली तीज के इस मौके पर जिला उपायुक्त अशोक शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। आज हरियाली तीज के मौके पर गांव के सरकारी स्कूल में उपायुक्त अशोक शर्मा की पत्नी पौधारोपण कर ग्रामीणों को पूर्ण रूप से पर्यावरण को हरा भरा बनाने और हर ग्रामीण को एक पेड़ लगाने का जो संदेश दिया है, इसे ग्रामीण में काफी खुशी का माहौल है। मैं गीता देवी, सरपंच ग्राम पंचायत जनाचोली से, आज हरियाली तीज की मैं अपने प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमने अपने गांव में भी हरियाली तीज को मनाया। आज हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमारी डीसी की मैडम आज हमारे गांव में आई और हमारे साथ उस समय शामिल हुई और इस शुभ मौके पर हमने पौधारोपण भी किया, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। हम अपने प्रशासन का, अपने मैडम का, अपने पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हतीन से सुखदेव तेवतिया की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।